जिस अर्जुन का आप इंतजार कर रही है ना, वो अब कभी नहीं आने वाला। वैशाली भाभी, जिस अर्जुन को आप अपना दामाद बनाने का ख्वाब देख रही हो ना, वो वाणी से कभी भी शादी नहीं करेगा। क्योंकि उसने अपनी बराबर की हैसियत वाली लड़की से सगाई कर ली है, इसलिए वो वाणी से शादी नहीं करेगा। मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता है। टाट का पैबंद माम, इन लोगों ने जो कुछ भी कहा कि मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं आप उसके बारे में कुछ गलत ना सोच रहे हो। मैं तो कभी उसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। कोर्ट केस जीतने की एक साजिश थी।
अच्छा, तो उन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कोई हमारी मदद कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा था कि पहली हियरिंग में वो कोर्ट केस जीत जाएंगे और हवेली उनकी हो जाएगी। फोन वो माँ माँ, मैंने उसका फोन बहुत बार ट्राई किया, लग ही नहीं रहा। एक बार लगा भी था तो उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता? ठीक कह रही हूँ माँ, बिजनेस तो उसका बहुत बड़ा है और वो बहुत बिजी भी रहता है। हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो और फोन गाड़ी में ही भूल गया हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा माँ, आपका अर्जुन? देखा भांजे, इसको कहते हैं सही समय पर सही पत्ता फेंकना। अब जीजा जी तो हमेशा मुझको कोसते रहते हैं, अब आने दो उनको। अरे पेट थपथपा के शाबाशी देते हुए कहेंगे, वाह साले साहब, क्या दिमाग पाया है। वैसे मामा जी, हाँ एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अर्जुन की मंगनी की खबर सुनकर क्या हाल हो रहा होगा वाणी के घर का? अरे भांजे,
ये तो वही बात है कि जब कुबेर का खजाना किसी मामूली इंसान के हाथ में यूं आए और यूं फुर्र करके उड़ जाए, सोचो उसकी क्या हालत होगी है? मामा जी वो तो जीते जी मर जाएगा। अरे मातम मनाएगा अपनी बर्बादी का। अरे अब उस हवेली में मायूसी और मातम ही छाया रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब उस हवेली में ना कोई खुशी मनाई जाएगी और ना ही कोई मातम, क्योंकि अब हवेली तो जाने वाली है, है? मामा जी आपने दिल खुश कर दिया। बस कल कोर्ट के डिसीजन के बाद मुझे उस अपनी घमंडी बहन की झुकी हुई गर्दन देखनी है बस। अरे देख लेना भांजे, जरूर देख लेना। अब अगर वो कोर्ट आ पाई तो कहीं हवेली जाने के सदमे से कोर्ट में ही ना पहुंची तो क्या देखोगे है? वैसे एक तरीके से ये भी सही होगा मामा जी, उन लोगों के लटके हुए चेहरे तो हम हवेली पे कब्जा करते वक्त भी देख सकते हैं। लेकिन बस कल कोर्ट में सब कुछ अपने पक्ष में होगा, बस हम केस जीत जाए मामा जी। अरे चिंता मत करो भांजे, चिंता मत करो। कल का दिन और हवेली दोनों ही तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, मुट्ठी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, जब उन लोगों का सारा बिजनेस इस हथेली में आ सकता है तो उनकी हवेली क्यों नहीं। बस मामा जी कल वो हवेली हमारे हाथों में होगी, फिर हम निपटेंगे उस केशव कपूर से। अरे आहिस्ता भांजे आहिस्ता, उस केशव कपूर से तो बदला लेना ही है, नस्ली बदला तो मुझको लेना है अर्जुन कपूर से। देख लेना बांजे, अपने अपमान का एक एक बदला लूंगा, चुन चुन के लूंगा, गिन गिन के लूंगा। और अब तुम्हारे खानदान में सिर्फ और सिर्फ मातम होगा, तुम्हारी बर्बादी का जनाजा निकलेगा, जनाजा। तब तब देखना इसको कहते हैं चश्मा। कहाँ हो अर्जुन तुम? कभी तुम्हारा फोन नहीं लगता तो कभी तुम फोन उठाते नहीं। घर में सब परेशान है, तुम्हारे बारे में लोग ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं। पहले सिद्धार्थ और अब वो हरिहर, मैं जानती हूँ वो सब गलत है, झूठ बोल रहे हैं। नेहा ने सिद्धार्थ से जरूर मजाक किया होगा, जिसे सिद्धार्थ ने सच मान लिया। और उस रंजीत और हरिहर का क्या है, उन्हें तो हमारे खिलाफ बोलने में मजा आता। वो हर वो चीज करते हैं जिससे हमें दुख पहुंचे, हमें चोट लगे। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि कल कोर्ट केस की डेट से मेरा ध्यान हट जाए। लेकिन मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगी। मुझे पता है अर्जुन, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करोगे अर्जुन। Have to finish the paperwork today, यार। कोई बहाना ही नहीं चलेगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखो ना। अरे सिद्धार्थ, हाय। हाय। Just look at it, यार। हाँ, yeah. I have to call you back. I'll see you in the evening. Yeah, I'll call you back. Yeah. Sorry, सिद्धार्थ। ये काम भी ना। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे वो अर्जुन के ऑफिस आया था उससे मिलने के लिए। सॉरी सिद्धार्थ, आप आज अर्जुन से नहीं मिल पाएंगे, वो आज भी ऑफिस में नहीं है। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ, अब आपसे क्या छुपाना, अंकल इज हॉस्पिटलाइज्ड, उन्हें हार्ट अटैक आया था। आई एम सॉरी। कैसे हैं वो, ठीक तो है ना? ही इज इम्प्रूविंग, बट यू नो हाउ इट इज, सर्जरी हुई है तो टाइम तो लगेगा ही ना। कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं जाके मिल सकता हूँ उनसे? आई होप ही इज फाइन। ऑफ कोर्स तुम उनसे जाके मिल सकते हो, वो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है ना, उसमें ही एडमिटेड है। मैं तो कहती हूँ आप चले ही जाइए, अर्जुन को भी अच्छा लगेगा। आजकल उसका मूड बहुत ऑफ रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, आप जाओगे तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है नेहा, मैं वहाँ जाके उनसे मिल आता हूँ। और यू डोंट वरी, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, आई होप सो। और अर्जुन की तो सारी परेशानी मैं अपने साथ लाने वाला हूँ। हाँ, और बाय द वे, आपसे मुझे ट्रीट चाहिए, आपसे ही नहीं, अर्जुन से और आप दोनों से, एंगेजमेंट की। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, और वो ट्रीट तो मैं आपको दूंगी। एक बात कहूँ आपसे, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अर्जुन इज वेरी लकी टू हैव यू। इतना भी अच्छा नहीं है। यू जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। चलिए फिर, चलिए मिलते हैं फिर आपसे। हाँ, ऑलराइट। हाँ माँ, सारे पेपर्स रख लिए। अरे माँ, MCJ वालों ने अभी तक हवेली के पेपर्स की डुप्लीकेट कॉपी दी ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, वकील साहब ने कहा है कि वो आज कोई दलील नहीं देंगे, बस नेक्स्ट डेट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। नहीं माँ, उससे बात ही नहीं हो पाई, उसका फोन भी नहीं आया। कोई बात नहीं माँ, हो सकता है वो बिजी हो, अदरवाइज तो उसका फोन आता ही है ना। अरे माँ, तो क्या हुआ, वकील साहब की टीम के अवस्थी जी भी तो होंगे ना वहाँ, वो संभाल लेंगे। ठीक है माँ, मैं सिद्धार्थ से बात कर लेती हूँ, अगर वो फ्री होगा तो मैं उसे साथ ले जाऊंगी। अब खुश जाऊं मैं? कैसे नहीं संभालेंगे, शिखावा साहब की टीम में है वो, उनके जितने काबिल नहीं तो उनसे कम भी नहीं होंगे, बस नेक्स्ट डेट लेने की ही तो बात है। और उन्होंने कहा है कि वो आज शिखावत साहब की सेहत का हवाला देकर नेक्स्ट डेट के लिए अपील करेंगे, उसके बाद तो सारा केस शिखावत साहब ही देखेंगे ना। अभी चलूं, देर हो रही है। माँ एक बात बताओ, कल हरिहर और रंजीत घर पे आए थे, वो बात तुमने बापू साहब को तो नहीं बताई ना? तुम बस अर्जुन पर इसी तरह अपना भरोसा बनाए रखना। देखना, जिस दिन अर्जुन आएगा ना तो सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ, बाय।
कितने दिन हो गए वाणी से बात किए हुए, उसे देखे हुए। बहुत परेशान हो रही होगी वाणी। फोन भी करूंगा तो कहूंगा क्या उसे, क्यों नहीं मिल पा रहा हूं मैं उसे, क्यों डैड को हार्ट अटैक आया, क्या कहूंगा उसे। कहीं ऐसा ना हो कि हरिहर ने अब तक सब कुछ बता भी दिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। सोच रही होंगी मेरे बारे में। अर्जुन, सिद्धार्थ, तुम यहां? वो तुम्हारे ऑफिस गया था तुमसे मिलने। वहां नेहा से मुलाकात हुई तो उसने बताया तुम्हारे डैड के बारे में। आई एम सॉरी अर्जुन, कैसे हैं तुम्हारे पापा? हाँ अभी ठीक है, ऑपरेशन हुआ उनका, अभी खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। डोंट वरी यार, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करना। अच्छा, इसी वजह से तुम वाणी से नहीं मिल पा रहे थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है यार। हाँ सिद्धार्थ यार, यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम है यार, तुम वाणी से मिले? हाँ मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मैं तो करीब रहता हूँ उसके। हाँ वो परेशान हो रही थी कि तुम कहीं किसी मुश्किल में ना हो, मुझे लग रहा था। तुम प्लीज़ वाणी को कहना कि मैं ठीक हूँ, और डैड के बारे में बताना कि डैड का ऑपरेशन हुआ है। हाँ 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 तुमसे एक बात पूछूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कुछ याद है एक बार तुम उस सड़क के किनारे खड़े थे और वाणी का इंतज़ार कर रहे थे, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन नेहा से मिलने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी मंजिल बदल चुकी है। और क्या कहा नेहा ने? नेहा ने यही कहा कि तुम्हारी और उसकी इंगेजमेंट हो गई है। सिद्धार्थ यार, ऐसे हालात हो गए थे ना कि मैं चाहकर भी कुछ। अर्जुन, अर्जुन, होता है यार, सबके साथ होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन हाँ, मुझे तू किस बात का है कि तुमने वाणी को कुछ नहीं बताया? कम से कम उसे सच्चाई तो बतानी चाहिए थी ना। हाँ सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो यार, मैंने खुद बहुत कोशिश की कि वाणी को मैं सब सच बता दूँ, लेकिन बता ही नहीं पा रहा हूँ। फिर डैड को हार्ट अटैक आ गया, तुमको हॉस्पिटल लाना पड़ा। तुम समझ रहे हो ना कि अगर मैंने वाणी को बताया तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे थोड़ा टाइम दे दे, उसके बाद अभी मैं वाणी को मिलकर सब सच बता दूंगा। सिद्धार्थ प्लीज़, तुम वाणी को अभी कुछ मत बताना। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, तुम जल्दी से जल्दी उसे सारी सच्चाई बता दोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अब वाणी नहीं, नेहा है। हाँ ठीक है, मैं सब उसको समझा दूंगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे, यू डोंट वरी। हाँ मैं मिल सकता हूँ उनसे? नहीं वो अभी सोए हैं, अभी उन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। चलो ठीक है, उन्हें आराम करने दो, मैं फिर आऊँगा तुम मिलूँगा। थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ। चलो बाय। अर्जुन एक ऐसी जगह खड़ा था कि जहाँ पता नहीं था कि किस कदम के नीचे ज़मीन है, किसके नीचे बारूद। ख्वाब हाथ से निकल रहे थे, मुश्किलें थीं कि बढ़ी आती थी उसकी तरफ, और खुशियां वो तो जाने कहां जा चुकी थी।